आपको पता है कि एलोन मस्क एक बार ना बैंकरप्ट होने वाला था। उसके पीछे का रीजन था कि उसने सारा पैसा स्पेसएक्स में लगा दिया। उसके जो शुरू के 3 रॉकेट थे वो तो हवा में ही, दो दो रॉकेट आई थिंक, 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में ही खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे, 2 या 3 शुरू के। सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर, और वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं, बीच पहले ही आग लग गई। अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिसे 1 रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी फेल हो जाता है ना, वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था। मतलब एलोन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, समझ रहे हो। फिर भी उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी। लोगों ने बहुत कहा पागल है ये, पागल आदमी है, लोग बिलीव नहीं करते थे। पता है आप उसका एक इंटरव्यू देखना, मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती हैं। मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुंह दे दिया है, 32 दांत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते कि हमें बोलते टाइम सोचना है। वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। सो ऐसे करके उसके साथ भी हुआ, और उससे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे, लेकिन है ना जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूँ, बट वो एलोन मस्क उसको बहुत मानता था, बहुत बहुत ज्यादा गुरु की तरह मानता था, मतलब ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उस बंदे ने जब कहा कि एलोन मस्क इज अ मैड पर्सन जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर रहा है ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है, और बहुत निंदा की एलोन मस्क की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असली बात। जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं। फाइनली उसका जो थर्ड या फोर्थ जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था वो सक्सेसफुल हो गया, वो पहुंच गया ऑर्बिट में। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भाई साहब वारे नारे हो गए, ऑर्बिट में